आज का वीडियो हम देखेंगे व्हाट इज एन ऑटोकैड एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ ऑटोकैड फॉर सिविल इंजीनियर एंड ऑटोकैड से हम लोग कौन कौन सा प्लान बना सकते हैं और ऑटोकैड को कब सीखना चाहिए सिविल इंजीनियर को, आज का वीडियो हम लोग देखेंगे। तो ऑटोकैड से सबसे पहले हम लोग देखते हैं उससे रिलेटेड जो वर्ड हैं उनके बारे में। कैड, कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो, CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड के बारे में देखते हैं कि क्या है कैड। कैड इज अ टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड विद द क्रिएशन मॉडिफिकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन डिजाइन। कंस्ट्रक्शन डिजाइन या प्रोडक्ट डिजाइन का जो ऑप्टिमाइजेशन हम लोग मॉडिफिकेशन क्रिएशन होता है इस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में कैड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑटोकैड, रेबिट, सिविल 3D, क्रो, एनसिस, कैटिया एंड मोर, बहुत सा और भी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CAE क्या है। CAE इज अ टेक्नोलॉजी, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, इन्वॉल्व्स इन द टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स में इन्वॉल्व्स होते हैं, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। इनका भी सॉफ्टवेयर है ई टैप्स, सैप 2000, एनसिस, कैटिया, हाइपर मैश एंड मेनी मोर। CAM CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज अ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ डिजाइन प्रोडक्ट। ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है उनमें इन्वॉल्व होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम का सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग जो रिलेटेड है इनसे ये सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग बनाते हैं। इनमें भी सॉफ्टवेयर कौन कौन है, कैटिया, 3D प्रिंटिंग, CAM, मास्टर CAM, मेनी मोर, बहुत से सॉफ्टवेयर इनमें भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइकिल। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसका साइकिल। कंस्ट्रक्शन साइकिल मेजरली स्टार्ट्स विद द फ्लोइंग। देखिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअल एंड डिटेल डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग मॉडलिंग करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, देन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ ऑटोकैड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑटोकैड क्या है उसके बारे में हम लोग देखा कुछ वर्ड ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था, कैड, CAE, CAM क्या है उसके बारे में हम लोग देखा। कैड, ऑटो कैड क्या है। ऑटो कैड इज अ कॉमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। इसका एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क के द्वारा डेवलप किया गया। ऑटो कैड वॉज फर्स्ट रिलीज इन दिसंबर 1982 एज अ डेस्कटॉप ऐप रनिंग। 1982 दिसंबर में एक फर्स्ट पहली बार रिलीज किया गया था डेस्कटॉप ऐप से, डेस्कटॉप जो ऐप उसके रूप में किया गया था, ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स विथ इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलर्स के साथ किया गया था। ऑटोकैड इज पैकेज और कॉल्ड टूल सेट। ऑटोकैड पैकेज है जिसको हम लोग टूल सेट कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अस लोट ऑफ कमांड्स, बहुत से कमांड इसके होते हैं, लगभग 160 में प्रीवियस वीडियो में पूरी के पूरी कमांड का लिस्ट में डाल चुका है, आप देख सकते हैं वहाँ से। कमांड के मदद से हम लोग जनरेट करते हैं किसी टाइप का टेक्नोलॉजी, टेक्निकल ड्राइंग का, किसी टाइप का ऑब्जेक्ट का हम लोग जनरेट करते हैं, बनाते हैं उसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्जन ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड का वर्जन क्या है। ऐसे मेनली कंप्यूटर का जो मेनली वर्जन होते हैं ये रन करते हैं डोस एंड विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑटोकैड वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन दिसंबर 1982 में रिलीज किया गया था, ओनली विथ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रन किया गया था। 1994 में क्या हुआ, ऑटोकैड वाज अवेलेबल इन बोथ डोस एज वेल एज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। 1994 में क्या हुआ कि डोज के साथ साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया। 2000 से लेकर अभी तक
AutoCAD is available only in Windows operating system as an AutoCAD 2000, AutoCAD 2006, AutoCAD 2010, AutoCAD 2016, up to AutoCAD 2021 तक अवेलेबल है। एडवांटेज ऑफ AutoCAD, AutoCAD के एडवांटेज क्या है? AutoCAD improves the accuracy of design, डिजाइन का एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है AutoCAD। AutoCAD स्टैंडर्डाइजेशन इज मेंटेन्ड इन AutoCAD, शॉर्ट लीड्स टाइम, बहुत कम समय में प्रोजेक्ट को रन कर देता है, हम लोग बना सकते हैं। ये डिपेंड होता है वर्क क्रिएटिविटी ऑफ डिजाइनर, किस तरह से डिजाइनर इस पर काम कर रहा है, कितने स्पीड से काम कर रहा है, उस पर डिपेंड होता है। कस्टमर मॉडिफिकेशंस आर इजीली टू हैंडल इन AutoCAD, AutoCAD में जो कस्टमर का मॉडिफिकेशन हो तो आसानी से हैंडल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, AutoCAD से क्या एडवांटेज है? इजी टू शेयर, आसानी से शेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट को बनाकर, प्लान को बनाकर PDF के रूप में लाकर कहीं भी शेयर कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमन डिजाइन इन AutoCAD, AutoCAD में कुछ कॉमन डिजाइन में दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ होम प्लान है, यहाँ पे सेफ्टी टैंक से कुछ रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे प्लम्बिंग से रिलेटेड कुछ मैं डिजाइन दिखा रहा, इस टाइप का डिजाइन बना सकते हैं आसानी से AutoCAD के मदद से। यहाँ पे नेक्स्ट हम दिखा रहा आपको सबमिशन ड्राइंग, सबमिशन ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है AutoCAD से सीखना, सबमिशन ड्राइंग जो सीख जाता है स्टूडेंट, मेन यही है कि AutoCAD से सबमिशन ड्राइंग सीखना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि AutoCAD, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि AutoCAD से केवल कमांड सीखते हैं, कमांड के बारे में जानते हैं कि क्या होता है मूव कमांड, क्या होता है एरे कमांड, क्या होता है लेयर कमांड, तो वो कमांड सीखने से कोई बेनिफिट नहीं होता जब तक ना आप सबमिशन ड्राइंग के बारे में और भी जो रिलेटेड, जिससे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डिजाइन होते हैं उसके बारे में जब तक नहीं सीखिएगा कोई फायदा नहीं है। तो ये देखिए सबमिशन ड्राइंग, सबमिशन ड्राइंग जो नगर पालिका में हम लोग सबमिट करते हैं ड्राइंग को, क्या क्या इसमें डिमांड होते हैं आपको मैं आज बतला रहा। देखिए सबसे पहले हम लोग तो होम प्लान बनाते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर हो जो भी बना रहे हैं, उसके साथ साथ लोकेशन प्लान भी देना होता है, उसके साथ साइट प्लान भी देना होता है, उसके साथ आपको फ्रंट एलिवेशन जो बनाए हैं घर का, फ्रंट एलिवेशन कैसा दिखाई देता है उस प्लान को दिखाना रहता है, साइड से साइड एलिवेशन दिखाना होता है, फिर आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाना होता है किसी एक प्लान से, किसी एक एक्सिस से, जैसे एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से किसी एक प्लान को दिखाना रहता है, फिर आपको दिखाना रहता है सेप्टिक टैंक के बारे में दिखाना रहता है, जैसे एक प्लान दिखाइए सेप्टिक टैंक के, उसका फिर सेक्शन दिखाइए, फिर दिखाना रहता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान दिखाना रहता है, उसका सेक्शन दिखाना रहता है, फिर यहाँ पर आप दिखा रहे हैं साइट प्लान कहाँ पर आपका वर्क चल रहा है वो भी दिखाना रहता है। तो सबमिशन ड्राइंग में इतना सब प्लान दिखाना रहता है, वे सब प्लान आसानी से आप AutoCAD सॉफ्टवेयर से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं AutoCAD सॉफ्टवेयर से हम लोग फाउंडेशन का लेआउट प्लान बना सकते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में, प्लिंथ बीम प्लान बना सकते हैं AutoCAD सॉफ्टवेयर से, स्लैब बीम बना सकते हैं, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी प्लान बना सकते हैं, वर्किंग प्लान बना सकते हैं आप देख सकते हैं वीडियो में, लैंडस्केप प्लान बना सकते हैं, 3D इंटीरियर एलिवेशन दिखा सकते हैं आप, लैंडस्केप बना सकते हैं, इंटीरियर फर्नीचर बना भी सकते हैं आप, मास्टर प्लान बना सकते हैं, 3D एलिवेशन भी कर सकते हैं। 3D एलिवेशन में तो प्रॉब्लम होता ही है लेकिन आसानी से आप बना सकते हैं, इसके लिए बहुत सा सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे है जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूँगा, आप पूरी वीडियो को देखिए आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि AutoCAD क्या है। देखिए ऐसे तो सॉफ्टवेयर बहुत हैं जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, AutoCAD सॉफ्टवेयर बहुत हैं। देखिए सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स, सिविल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर आप देख सकते कितने हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए स्टैट प्रो, ई टाइप्स, स्टैट फाउंडेशन आना बहुत ज़रूरी होता है, बीम बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग के लिए रेबिट, टेक्ला, SP3D, फिर 2D ड्राइंग AutoCAD, प्रोजेक्ट प्लानिंग MS प्रोजेक्ट, प्राइमवेरा, फिनिट एलिमेंट एनालिसिस के लिए आपका एनालिसिस SAP 2000 आना चाहिए, रोड के लिए MS रोड,
सेवर नेटवर्क, इस तरह से बहुत सा आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हैं। देखिए ये पूरे सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आपको एमटेक करना जरूरी होता है, आपको स्ट्रक्चर डिजाइनर के रूप में जाना रहेगा। तो इस तरह से हम अभी आज के वीडियो में ऑटोकैड से केवल ऑटोकैड के बारे में बात करना चाहता है। तो ऑटोकैड से हम लोग 3D एलिवेशन भी बना सकते हैं आसानी से, और 2D एलिवेशन, तो 2D जो होता है एलिवेशन, 2 डायमेंशन तो बना ही सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब ऑटोकैड क्यों हम लोग को सिविल इंजीनियर को सीखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑटोकैड आप सीखने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि मैं साइड पे काम आसानी से करा सकता, आपको ड्राइंग मिलेगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो भी ड्राइंग मिलेगा ब्रिज कंस्ट्रक्शन का या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का या रोड कंस्ट्रक्शन का, आप आसानी से उसको उस ड्राइंग को रीड कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही आप व्यक्ति स्टूडेंट इंटर करता है उस टाइम से ही सॉफ्टवेयर का नॉलेज सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि वहाँ से आपको नॉलेज मिलता रहेगा कि हमें किस किस लाइन में जाना है आफ्टर बीटेक, आफ्टर सिविल इंजीनियर। तो मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा कि स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में जाकर सॉफ्टवेयर का नॉलेज सीखना बहुत जरूरी है। जो छुट्टियाँ मिलता है उस छुट्टी में जाकर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज सीखना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर जो रिलेटेड होता है वो थोड़ा थोड़ा करके सीखना चाहिए, ताकि आपको इस तरह से जो सॉफ्टवेयर आफ्टर बीटेक इंजीनियरिंग आपको आसानी से जॉब मिलने का चांस हो जाता है। तो आज का वीडियो में हम लोग देखें ऑटोकैड से क्या क्या प्लान बना सकते हैं और कौन कौन सा क्या क्या एडवांटेज है ऑटोकैड सीखने से। हाँ, नेक्स्ट हम लोग आप देखते हैं ऑटोकैड जो है एक्चुअली में क्या क्या हम लोग प्लान बना सकते हैं, वो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्ट बनाया है, देख सकते हैं आप। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग विथ गवर्नमेंट नॉर्म्स, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग और प्लानिंग आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी आप प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लोर प्लानिंग विथ डिफरेंट रूमिनेस, अलग अलग रूम के अकॉर्डिंग अलग अलग आप फ्लोर प्लानिंग बना सकते हैं। एलिवेशन एंड सेक्शन व्यूज ऑफ बिल्डिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान का सेक्शन व्यूज एलिवेशन आप बना सकते हैं। डिजाइन ऑफ सेफ्टिंग टैंक एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सबमिशन ड्राइंग में मैं दिखाया था वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। कंप्लीट सबमिशन ड्राइंग आप जो नगर पालिका में डिमांड होता है वह बनाकर सबमिट कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं, नक्शा जिसको बोलते हैं, वो आसानी से आप बना सकते हैं। तो आज का वीडियो में ऑटोकैड के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ऑटोकैड क्यों इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियर के लिए और क्या है, व्हाट इज ऑटोकैड। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और साथ साथ में शेयर भी कीजिए, सिविल इंजीनियर जो हैं उनको पता चले कि क्या है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर और क्यों सीखना चाहिए। खास करके फ्रेशर सिविल इंजीनियर को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।